अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं skoonster.com का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम 70K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे विद i7 फोर्थ जनरेशन प्रोसेसर के, और इसके साथ जो हम ग्राफिक कार्ड यूज़ करने जा रहे हैं वो GTX 1660 6 GB ग्राफिक कार्ड है विद बॉक्स। हम ये ग्राफिक कार्ड इस बिल्ड के साथ ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि जी इस ग्राफिक कार्ड के साथ जो कोई बिल्ड लेके आए अपने चैनल पे, तो हम आज इस ग्राफिक कार्ड के साथ जो है वो एक बिल्ड लेके आए आप लोगों के लिए। बाकी अगर आप लोग कोई भी बिल्ड बनवाना चाहते हैं इस कार्ड के साथ या किसी भी कार्ड के साथ या कोई भी प्रोसेसर लगवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बिल्ड करेंगे वो 70K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे। इस वीडियो में जो जो स्पेसिफिकेशन हम यूज़ करेंगे वो आगे चल के वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन हम 70K बजट में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो चलते हैं जी आज की 70K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की स्पेसिफिकेशन की तरफ। इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बताता चलूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसर की। जो इसके अंदर हम प्रोसेसर यूज़ करेंगे वो i7 फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। 4770 4770 प्रोसेसर हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। और इसके साथ जो हम मदरबोर्ड यूज़ करेंगे वो 4 RAM स्लॉट वाला मदरबोर्ड हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। B85 मदरबोर्ड हम इस बिल्ड में यूज़ करेंगे जिसपे आप 4 RAM स्लॉट लगा सकते हैं और 8 GB तक का कोई भी ग्राफिक कार्ड आप इसके साथ जो है वो चला सकते हैं। अब बात करेंगे रैम्स की। जो इसके अंदर हम रैम यूज कर रहे हैं वो 4 4 GB की 2 स्टिक हम इस बिल्ड के साथ यूज कर रहे हैं। 1600 MHz वाली टोटल 8 GB रैम हम इस बिल्ड के साथ यूज करेंगे। और अब बात करेंगे SSD की। जो इसके साथ हम SSD यूज करेंगे वो 128 GB SSD हम इस बिल्ड के साथ यूज करेंगे। XStar की 3 ईयर वारंटी के साथ हम SSD जो है इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज करेंगे। अब बात करेंगे इसमें HDD की, तो HDD हम इस बिल्ड में यूज 500 GB HDD हम इस बिल्ड के साथ यूज कर रहे हैं 7200 RPM वाली। और अब आते हैं जी PSU की तरफ। जो इसके साथ PSU हम यूज करेंगे वो Antec की 80+ ब्रॉन्ज में PSU इस बिल्ड के साथ यूज करेंगे। और जो केस हम यूज करेंगे वो बिल्कुल नॉर्मल केस यूज करेंगे, आम ब्रांडेड केस हम इस बिल्ड के साथ यूज करेंगे। और लास्ट पे बात करेंगे ग्राफिक कार्ड की। जो इस बिल्ड के साथ हम ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे वो हम GTX 1660 6 GB ग्राफिक कार्ड विद बॉक्स सील्ड ग्राफिक कार्ड इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी 70K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की स्पेसिफिकेशन। अब इनकी प्राइस अपडेट भी देता चलूँ क्योंकि आप लोग प्राइस जानने के लिए हमारे इस चैनल पर आते हैं, तो प्राइस आपको अपडेट करता चलूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसर की। जो इसके साथ हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं i7 फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर इस बिल्ड में यूज़ करेंगे। 4770 4770 प्रोसेसर इस बिल्ड में यूज़ कर रहे हैं। उसकी प्राइस जो मार्केट प्राइस है वो 15,000 रुपये है, लेकिन हम इस बिल्ड के साथ जो है वो 14,000 रुपये में यूज़ करेंगे। और अब बात करेंगे मदरबोर्ड की। जो इसके साथ हम मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं B85 मदरबोर्ड इस बिल्ड में यूज़ कर रहे हैं 4 RAM स्लॉट वाला। उसकी मार्केट प्राइस 8500 है, लेकिन हम 7500 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ करेंगे। अब बात करेंगे इसकी जो रैम्स हैं 4 4 GB की 2 स्टिक हम इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं। 1600 MHz वाली टोटल 8 GB रैम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे 3500 में हम। और जो SSD हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करने जा रहे हैं XStar की बिल्कुल न्यू में 3 ईयर वारंटी के साथ। उसकी मार्केट प्राइस जो है वो 3500 है, लेकिन हम इस बिल्ड के साथ जो है वो 3000 में यूज़ करेंगे। अब बात करेंगे HDD की। जो इस बिल्ड के साथ हम HDD यूज़ करेंगे वो 500 GB की HDD इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। इसकी मार्केट प्राइस 2200 है, लेकिन हम 2000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ करेंगे। अब आते हैं जी PSU की तरफ। जो इसमें PSU हम यूज़ कर रहे हैं Antec की 80+ ब्रॉन्ज में हम PSU इस बिल्ड में यूज़ करेंगे। जिसकी मार्केट प्राइस 4500 है, लेकिन हम 4000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ करेंगे। अब आते हैं जी केस की तरफ। इसमें जो हम केस यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल केस हम इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं, फुल टावर केस यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल केस हम इसलिए यूज़ करें कि हमने 70K बजट में इसको लाना था। अगर आप गेमिंग केस लगवाना चाहते हैं तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, वो आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप लगवाना चाहें तो वो अपना बजट है आप लोगों का तो आप उसको लगवा सकते हैं, लेकिन ये हम इस बिल्ड के साथ जो है वो 1500 रुपये में ऐड कर रहे हैं, यानी कि 1500 1500 रुपये में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ करेंगे। अब लास्ट बारी आती है जी ग्राफिक कार्ड की। जो इस बिल्ड के साथ हम ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं GTX 1660 6 GB ग्राफिक कार्ड हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। GDDR5 में ये ग्राफिक कार्ड है विद बॉक्स है, बैक प्लेटेड ग्राफिक कार्ड है। इस ग्राफिक कार्ड पे सील भी लगी हुई है, ओरिजिनल सील लगी हुई है, ये खुला नहीं हुआ अभी तक ग्राफिक कार्ड, और पेस्टिंग भी नहीं हुई इस ग्राफिक कार्ड की, और ये गेमिंग में यूज ग्राफिक कार्ड है। इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस मार्केट प्राइस है वो 38000 तक जा रही है, लेकिन हम 32000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सबसे सस्ते रेट जो गेमिंग कंपोनेंट के है वो सिर्फ आपको स्कूल से गेमिंग स्टोर पर ही देखने को मिलते हैं।
तो अगर आप इस तरह के कम रेट पे और अच्छी चीज़ बाय करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, अब वहाँ पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप हमारा फिजिकल स्टोर विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी एड्रेस है, आप वहाँ पे आके हमसे जो है प्रोडक्ट फिजिकली भी बाय कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी वारंटी की, तो इसकी वारंटी जो है वो हम 1 मंथ की वारंटी देते हैं जिसमें डेड और बर्न वारंटी इंक्लूडेड नहीं होती। उसके अलावा अगर आर्टिफैक्ट्स की आपको फेस करने पड़ रहे हैं तो आप विद इन 1 मंथ हमसे जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन डेड और बर्न की हम बार बार इसलिए बताते हैं कि डेड और बर्न जो है वो किसी चीज़ की भी वारंटी नहीं होती। इंसान डेड हो जाए तो उसकी वारंटी भी नहीं होती, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं तो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं, तो अगर ये डेड हो गई तो ये इसमें जो है वो हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, तो अगर डेड होती है तो इसकी वारंटी क्लेम नहीं होगी। अब बात करेंगे इसकी शिपिंग की, तो शिपिंग इसकी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, फ्री कैश ऑन डिलीवरी भी हम भिजवाते हैं, आपको शिपिंग कॉस्ट जो है वो पे नहीं करनी पड़ती। अगर हम सिस्टम एक किसी भी सिटी में भिजवाते हैं तो हमारा खर्चा 1500 से 2000 रुपये आता है, लेकिन वो भी हम अपनी तरफ से आपको डिस्काउंट देते हैं, तो वो भी जो है वो आप जो पे नहीं करते, लेकिन जैसे आपने वही पे करना है जिस बिल्ड की जो है हमसे बात हुई होगी, जिस जितने में डन हुई होगी, या जो भी कंपोनेंट आप बाय कर रहे हैं, जिस जो उसकी प्राइस होगी एक्चुअल वही आपने पे करनी है, एक्स्ट्रा पे आपने नहीं करना। अगर कोई कोरियर वाला आपसे पूछ रहा है या डिमांड कर रहा है पैसों की, एक्स्ट्रा पैसों की, तो आपने जो आपके पास स्लिप उसके ऊपर लगी हुई तो उसके मुताबिक आपने पे करना है। तो फ्रेंड्स ये थी 70 के बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की स्पेसिफिकेशन और प्राइस अपडेट जो मैंने आपको दी। अगर आप ये बिल्ड बनवाना चाहते हैं तो बार बार मैं आपको बताऊंगा कि नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप करें उस पर। फ्राइडे हमारा ऑफ होता है, उसके अलावा आप किसी भी दिन दोपहर 12 से रात 10 के दौरान आप हमसे कॉल या व्हाट्सएप करके इन चीज़ों को जो है वो बुक करवा सकते हैं। तो फिर मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।